वेलकम बैक भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बेसिक एक मेंटेनेंस में दिखा रहा हूँ आपको NX200 को कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले उसको आपको खोलना होगा, जो स्क्रू है, दो स्क्रूज जो बॉडी के साथ अटैच है उसको खोल लीजिए। उसको धूल वगैरह है तो साफ कर दीजिए। उसके बाद मेरा जो स्टार वॉशर था वो डैमेज था एक पीस, तो मैंने तुरंत चेंज कर दिया। हमेशा जेन्युइन स्पेयर पार्ट ही यूज़ कीजिएगा गाइस, जेन्युइन स्पेयर पार्ट ही यूज़ करता हूँ मैं भी। इसे स्टार वॉशर बोलते हैं, आपको इजीली कंपनी में अवेलेबल मिल जाएगा। और जो आपका स्क्रू का जो थ्रेड है वहाँ पे, मैं यहाँ पे देख सकते हो आप, एक टूट गया है स्टार वॉशर, तो मैं चेंज करने वाला हूँ। दोनों इस वॉशर को मैंने चेंज किया, जो दो वॉशर था वो दोनों को चेंज कर दिया मैंने, टूटा हुआ था। इससे ग्रिप अच्छा मिलता है, गन 30-40 शॉट के बाद भी गन खुल जाता है ना। किसी किसी लोग का स्क्रू लूज हो जाता है तो वो नहीं होगा ये कर जाने से, तो स्क्रू चेंज कर दीजिए। स्टार वॉशर चेंज कीजिएगा। ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट है प्रेसी होल का, अवेलेबल है इजीली, बहुत कम दाम में अवेलेबल है। और ये फ्लेक्स टेप, थ्रेड टेप जो आता है, इसको स्क्रू में आप रैप कर दीजिए। इससे क्या होगा, स्क्रू बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाएगा और थ्रेड का कोई नुकसान, कोई डैमेज नहीं होगा थ्रेड, और बहुत टाइट और बहुत सिक्योरली फिट हो जाएगा स्क्रू, और एक वैक्यूम टाइप का क्रिएट हो जाएगा अंदर में, बहुत अच्छा सील बन जाएगा। और कोई ज़रूरत नहीं आपको इसका रिकॉइल से जल्दी खुलने वाला नहीं है स्क्रू, ये कर दीजिएगा। तो बहुत लोग फेविक्विक भी डालते हैं, मैं फेविक्विक नहीं डालना चाहता, इसीलिए ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। कोई भी गन हो, फ्लेक्स थ्रेड टेप आपको यूज़ करना ही है, जहाँ जहाँ स्क्रू है थ्रेड टेप यूज़ कीजिएगा वहाँ पे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मैं यूज़ कर रहा हूँ, गन हिलता नहीं है, रिकॉइल से जो 20-30 शॉट के बाद, एवरी 20-30 शॉट्स के बाद गन को टाइट करना होता है, वो नहीं करने से भी हो जाएगा अगर फ्लेक्स टेप यूज़ कर रहे हो आप तब। इसीलिए आई हाईली रिकमेंड यूजिंग फ्लेक्स टेप। थ्रेड टेप होता है जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, 30 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसको आप लगा दो दोनों साइड में और ये स्क्रू कभी नहीं हिलेगा जल्द, 100-200 शॉट के बाद हिल सकता है लेकिन इतना जल्दी नहीं हिलेगा। NX200 में एक प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी हिलता है स्क्रू, 20-30 शॉट के बाद हिल जाता था पहले, अभी ये करने के बाद नहीं हिलेगा। उसके बाद उसको टाइट कर दीजिए आराम से। उसके बाद आपको WD-40 लेना है और बैरल में टिश्यू जो आता है, पेपर टिश्यू, उसको यूज कीजिएगा। पेपर नैपकिन को इसलिए यूज कीजिएगा क्योंकि नैपकिन सबसे सेफ है बैरल साफ करने के लिए, कपड़ा यूज मत कीजिए। ये देखिए गंदगी निकल गया है, रिपीट कीजिए इसको 2-3-4-5 बार, जब तक साफ ना हो जाए बैरल तब तक इसको रिपीट कीजिए, और लास्ट में जब साफ हो जाएगा तो सूखा टिश्यू पेपर डालिए 1 या 2 बार, उसके बाद आपका बैरल पूरा क्लीन हो जाएगा, गन का जो बैरल है पूरा क्लीन हो जाएगा। और ये WD-40 आपको बाहर भी मारना है, जहाँ गन के बाहर जहाँ रस्ट लगता है, इसलिए आपको जंग लगता है, जंग से बचाने के लिए आपको WD-40 बाहर भी यूज़ करना होगा, गन का बाहर और अंदर भी, अंदर सिर्फ बैरल में। और रियर साइड को एक बार खोल लीजिए, खोल के इसको थोड़ा अप डाउन कर दीजिए, ये ठीक रहेगा। अगर लूज हो रहा है कहीं से तो ये ठीक रहेगा, अगर लेफ्ट राइट मार रहा है वो इशू भी ठीक हो जाएगा इससे।
उसके बाद आपको ये टाइट करने के बाद आपको WD-40 लेना है टिश्यू पेपर में, और पूरा गन को वाइप करना है, इससे गन में जो रस्ट है वो निकल जाएगा पूरा। ये देखिए रस्ट निकल रहा है। उसके बाद आपको ये मल्टीपल टाइम्स करना है, बार बार करना है जब तक पूरा साफ हो जाए गन। उसके बाद मतलब आपको तब तक करना है जब तक गन पूरा साफ हो जाए, रस्ट पूरा निकल जाए तब तक करना है आपको। उसके बाद सिलिकॉन वाला मोली ग्रीस लीजिए, ये सुपर मोली जो आता है ना प्रेसिबल का, ये लीजिए। इसके साथ सिलिकॉन ऑयल मिलाइए थोड़ा, मिला के गन का जहां जहां मूविंग पार्ट्स है वहां लुब्रिकेट कर लीजिए। सिलिकॉन ऑयल और मोली ग्रीस को मिक्स कीजिए, उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके लुब्रिकेट कीजिए जहां जहां मूविंग पार्ट्स है, जहां जहां आपको गन का मूविंग पार्ट्स है सब जगह ये कीजिएगा। ट्रिगर को ट्रिगर में नहीं करना है, ट्रिगर में नहीं करना है, सब में कीजिएगा। अच्छी तरह से पोंछ दीजिए, एक्सेस वाइप आउट कर दीजिए आप, एक्सेस जो ग्रीस रहेगा उसको वाइप आउट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर गन ऑयल लगाना है WD-40 जहाँ आप मारे थे रस्ट के लिए, उसके बाद आपको गन ऑयल से साफ करना है। गन ऑयल के बाद लास्ट में वेस्टलिन दे दीजिए ऊपर, वेस्टलिन। इससे क्या होगा, इससे दोबारा जल्दी जंग नहीं बैठेगा। ये एक कोटिंग है, WD-40 का जो कोटिंग है ये सेफ रहेगा, इसलिए वेस्टलिन दे दीजिए उसके बाद लास्ट में। तो उसके बाद आपका हाथ का पसीना भी लग गया ना, ये जल्दी इसमें रस नहीं आएगा, या पानी भी गिर गया तो रस नहीं आएगा जल्दी।
सीधा हाई पर हो गया आरडब्ल्यूएस बेसी इससे। दो पैलेट मारा था सीधा हाई पर हो गया। तो बहुत सारे पैलेट लेके आया था लेकिन आज समय नहीं मिला, शाम होने वाला है अभी। सो काफी गन पहले से चला के भी अच्छा लग रहा है अभी। ट्यूनिंग करने के लिए मैंने भेजा था, ये अमन भाई को भेजा था, वहाँ पे साबिर भाई ने ट्यूनिंग किया इसको। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स राइट नाउ। सो पावर भी इसका अच्छा हुआ पहले से और एक्यूरेट भी बहुत अच्छा मारा है क्योंकि ट्रिगर बहुत लाइट है, पीसीपीसी भी लाइट है। पहले तो जब मुझे बोला था कि पीसीपीसी भी लाइट हो जाएगा मुझे यकीन नहीं हुआ, उसके बाद जब मैंने ये टेस्ट किया अभी तो इट वॉज रियली वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ ट्रिगर, छूते ही फायर, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। पावर भी थोड़ा बढ़ा है पहले से तो अच्छा लगा मुझे, इसी से काम चल गया। मैं बहुत सारे पैलेट लेके आया था टेस्टिंग करने के लिए लेकिन अभी नहीं कर पाऊँगा आज, तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से डालूंगा। और जरूर भी नहीं पड़ा क्योंकि स्टील मैंने सोचा नहीं था इससे छेद कर देगा, लेकिन मुझे लगा था कि इससे होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये जो पैलेट है ना ये बहुत लीथल पैलेट है, लीथल काफ़ी लीथल पैलेट है। ये ब्लेड जैसा काट के घुसता है, जितना बड़ा इसका हेड है उतना बड़ा छेद कर देगा ये जहाँ पे भी मारोगे। तो अब तो 90 मीटर्स ये एक्यूरेट है ये पैलेट, अब तो 90 मीटर्स मैंने पीसीपी में ट्राई किया था, अब तो 90 मीटर्स ये एक्यूरेट है। वो भी 3-4 शॉट में से 2 शॉट लगा था, 2 शॉट मिस हुआ था। तो 90 मीटर्स में भी ये काम करता है, मेरा अपना जो तजुर्बा है उससे बोल रहा हूँ मैं। बाकी ये देख सकते हो क्या हाल किया है इसका, स्टील मोटा स्टील का गिलास था तो इसको पूरा आर पार कर दिया, 2 पैलेट में आर पार हो गया। रियली सेटिस्फाइड विद द गन एंड थैंक यू अमन भाई को भी और साबिर भाई को भी, थैंक यू गन ट्यून करने के लिए। सो गन से बहुत खुश हूँ मैं। इसका ट्रिगर तो अभी पीसीपीसी भी लाइट हो गया है, मेरा जो P600 है उससे लाइट है अभी इसका ट्रिगर। और दूसरा बात, एक्यूरेट मार रहा है काफ़ी पहले से और पावर भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो थैंक यू सो मच। तो उनका चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उनका चैनल चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। तो अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच साबरी भाई, अमन भाई दोनों को थैंक यू सो मच।